नमस्कार साथियों, मैं अपने पिछले वीडियो में आपसे बात कर रही थी कि कैसे हम बिना नर्सरी गए और बिना अपनी जेब ढीली किए अपने गार्डन में नए नए प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सामने ये दिख रहा है मैक्सिकन पिटूनिया है। साथियों, इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री तक चला जा रहा है। तो पौधे थोड़ी सी मुरझाई कंडीशन में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ख़राब कंडीशन नहीं है। और मैं आपसे इस समय ये शाम 6:30 बजे का वीडियो शूट करके शेयर कर रही हूँ। तो मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ और ये देखिए इसमें कितनी सारी बर्ड्स निकल रही है। मेरे गार्डन में मैक्सिकन पिटूनिया के कई सारे प्लांट्स हैं और मेरे पास इसके 2 कलर हैं और ये मैंने कोई भी प्लांट मार्केट से नहीं ख़रीदा है। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं 2-3 प्लांट लेके आई थी कहीं से निकाल करके और वो मैंने लगा दिए थे और उससे मैंने इतने सारे प्लांट्स बनाए। ये देख सकते हैं, अभी 10 इंची गमला है और गमला ऊपर से दिख नहीं रहा है। इसके बाद ये इचीवेरिया है। इचीवेरिया के यहाँ पर ये 2 पॉट रखे, एक ये इसमें लगा हुआ है और एक मैंने सिरामिक पॉट में लगा रखा है। और आप देख सकते हैं ये सिरामिक पॉट वाला भी बिल्कुल भरा हुआ है और ये दूसरा वाला भी, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज निकल आ रही हैं। और ये जहाँ से ये नई ब्रांच आ रही है वहाँ से ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें भी बनी है। गर्मी की वजह से सूख गई हैं, जब ये जड़ें बन रही थी अगर मैं इसे भी लगा देती तो ये भी हो जाता। और ये सिंगल पत्ती भी जहाँ कहीं गिर जाती है तो वहाँ कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये भी मेरे गार्डन में कई सारे पॉट हो रखे हैं जिसमें कि ये सिंगल लीव से प्रोपोगेट हो चुका है। ये एक प्लांट यहाँ पर है, ये भी सिंगल लीव से ही प्रोपोगेट हुआ है। अभी जिस लीव से ये हुआ है वो लीव तो गल चुकी है या मैंने शायद हटा दी है, तो अभी ये टिनी सा प्लांट यहाँ पे रह गया है। टिनी तो नहीं कह सकते हैं, अभी कम से कम 2 इंच का प्लांट बन गया और इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ भी निकल आई है। तो इचीवेरिया मेरे गार्डन में आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। और ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है, ये भी कहीं से मैं एक पत्ता उठा के लाई थी और उसी एक पत्ते से मैंने इतने सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। उसके बाद क्रोटन की एक और ये वैरायटी है जिसमें ये ऐसे क्या कहेंगे इन्हें, ये ऐसे घूमे घूमे पत्ते इसमें रहते हैं। तो ये भी मैं 2 इंच की कटिंग लाई थी और ये मैंने अपने गार्डन में लगा दी थी। ये पुराने पत्ते इसमें इस कलर के हो जाते हैं और बाद में ये मैच्योर होके फिर अपने आप ही झड़ जाते हैं और इसमें फिर जहाँ से पत्ते झड़ जाते हैं वहाँ से नई नई ब्रांचेज आ जाती हैं। ये मैंने सिंगल 2 इंच की कटिंग लगाई थी और ये बढ़ते बढ़ते अब ये इतनी घनी हो गई, इसमें से ये आप देख सकते हैं यहाँ ये नई नई ब्रांचेज भी निकल के आ रही हैं। तो ये भी मैंने मार्केट से ख़रीदा नहीं है बल्कि ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। उसके बाद पत्थर चट्टा की एक और वेराइटी है मेरे पास है, इस पर तो ज़बरदस्त ब्लूमिंग भी होती है और सीज़न में जब ब्लूमिंग होती है तो मैं उसकी वीडियोज़ भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये भी और ये एक सिंगल लीफ से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं और ये भी मेरे गार्डन में बहुत सारा है और ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैंने सिंगल लीफ से ग्रो किया है और अब ये मेरे पास काफ़ी सारा है। उसके बाद ये मेरा पिंक कलर का जिरेनियम है, हालांकि इस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं है लेकिन प्लांट अच्छी कंडीशन में है। 40 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ शहर में और उसके बावजूद भी प्लांट अच्छी कंडीशन में ग्रो कर रहा है। फ्लारिंग अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुई है इसकी, इससे पहले इसमें बहुत सुंदर सुंदर रोज जैसे दिखने वाले फ्लावर खिल रहे थे। तो ये भी मैंने कटिंग से लगाए, अपनी सिस्टर के यहाँ से मैं एक छोटी सी कटिंग लाई थी और वो लगा दी थी मैंने, उसी कटिंग से मैंने ये ग्रो किया है। रेड कलर का जिरेनियम मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद ये स्पाइडर प्लांट जब मैंने बिगनिंग की थी गार्डनिंग की तो उस समय मैंने एक ख़रीदा था और मैंने क्या, वो मेरे ब्रदर ने मुझे दिलाया था जब वो छुट्टी आया था, तो उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दिलाया था। और उसके बाद से, और 2 मेरे पास गिफ्ट भी हैं उसके बाद से, जो भाई ने ख़रीदा था उससे मैंने प्लांट सेपरेट करके और उसके जो ऊपर से नए नए प्लांट निकलते हैं फ्लावरिंग के साथ
उनसे मैंने कई सारे प्लांट तैयार किए हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी मेरे गार्डन में बहुत सारा है। उसके बाद आते हैं ये क्रैसुला ओबाटा। क्रैसुला का एक प्लांट मैंने शुरू में ख़रीदा था और वो गल गया था मेरा ज़्यादा पानी डालने से। उसके पत्ते मैंने सेपरेट कर लिए थे और सारे पत्ते मैंने जगह जगह लगा दिए थे। तो क्रैसुला ओबाटा के भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। जैसे एक मैंने ये छोटे से कप साइज़ के प्लांटर में लगा रखा है, तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। हालांकि इस वक्त ये गीला हो रहा है, मैंने सुबह आज ही पानी डाला इसमें, दो तीन दिन बाद सूख रहा था। तो क्रैसुला ओबाटा के भी बहुत सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में मिल जाएंगे। एक इसमें है, इसमें ये चार प्लांट एक साथ लगा रखे हैं मैंने, इसलिए घना दिख रहा है। अभी मैं इनको भी अलग करने वाली हूँ, तो उसके बाद मैं इन्हें किसी को गिफ्ट कर दूँगी। और एक मैंने गुल्लक थी, मेरी इस नीस की गुल्लक थी जो मैंने ढंग से तोड़ी और ऊपर से तोड़ करके इसको प्लांटर बना दिया था और इसमें लगा दी थी। तो ये भी मैंने एक सिंगल लीफ से ग्रो किया था और ये बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है। उसके बाद इसका मुझे भी नाम ध्यान, दो तीन दिन से नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ इसकी। अभी मैंने कुछ दिन पहले फ्लावरिंग भी शेयर की थी, अभी भी इसमें फूल लगे हुए हैं। कुछ फूल ये मुरझा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये भी मैं एक छोटी सिंगल कटिंग लाई थी और उस कटिंग का मैंने वीडियो भी शेयर किया था। एक छोटे से एक पाव के दही के डिब्बे में लगा रखा था मैंने, इनिशियली इतनी छोटी कटिंग थी। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये प्लांट कितना घना है, कितना बूशी है। मैंने इसकी कटिंग तोड़ करके दो कटिंग और लगा दी थी और उनसे ये पूरा गमला भर गया है। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और साल भर ये रुक रुक के ब्लूमिंग करता रहता है और इसके बहुत प्यारे प्यारे फूल लगते हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसको मुझे नहीं लगता कि आपको इसे नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत है। एक तो ये प्लांट बहुत कच्चा होता है, तो ये ज़रा सा झटका लगते ही टूट जाता है। तो ये जिसके पास होगा ओबियसली उसके यहाँ ये बार बार टूटता गिरता रहेगा, और जितना ये टूटता है उतना ये मल्टीप्लाई होता है, उतनी इसकी ब्रांचेज निकलती हैं। तो अगर ये यहाँ से ये टूट के नीचे भी गिर जाता है तो ओनर को कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि जहाँ से ये टूट गया वहाँ से नई नई ब्रांचेज निकल के ये और घना होने वाला है। और जो टूटी हुई ब्रांच है उसको अगर उसके पास जगह होगी तो लगाएगा, और जगह नहीं होगी तो ओबियसली वो फेंक देगा। तो फेंकने से अच्छा है कि आप उनसे ले लें और अपने गार्डन में ऐड कर लें। तो ये भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और अभी ये मुरझा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे इस समय टेम्परेचर इतना चल रहा है। उसके बाद ये है फिलोडेंड्रॉन। ये आजकल गर्मी की वजह से इसके पुराने पत्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नई लीव्स आप देख सकते हैं, इनमें उतनी ही चमक है। ये मैंने एक दो दिन से सफाई नहीं किया और बाहर रख दिया है क्योंकि ये गर्मी से अंदर ख़राब होने लगा था, तो मैंने धूप में रख दिया था। तो इसमें धूल गिर जा रही है, आसपास में काम भी चल रहा है, तो इस वजह से। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है और ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी कलीग ने। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे कलीग्स भी मुझे गिफ्ट करते रहते हैं। तो इसके बाद मैंने इससे एक कटिंग भी तैयार की है और वो मैंने नीचे लगा रखी है अपने आंगन के गार्डन में, तो वहाँ शायद मैं दिखाना भूल गई थी। तो कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से चल गई है। तो अब ये प्लांट, वैसे ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, ये पुराने, बहुत पुराने पत्ते हैं, तो ये धूप से जल गए हैं तो ये हट जाएंगे। अभी थोड़े दिन बाद, 8-10 दिन बाद ही यहाँ बरसात आने वाली है, उसके बाद सारे प्लांट बिल्कुल सही हो जाएंगे और ये भी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पुराने पत्ते तो झड़ते रहते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मैंने गुलदाउदी की कटिंग, अभी हाल ही में गुलदाउदी की एक ब्रांच मेरी सूख रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे सूखने देने से अच्छा है कि मैं इसकी कटिंग लगा लूँ। तो मैंने एक छोटे से पॉट में उठा करके ये कटिंग लगा ली थी और अभी भी ये देख सकते हैं आप, ये करीब महीना भर तो नहीं हुआ होगा, करीब 20 दिन हो गए हैं और पत्ते हरे हैं, तो इसका मतलब कटिंग ये चल जाएंगी, तो मुझे इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चल जाएगा। नेक्स्ट है ये कैल्शियम फ्रेगनेंस। कैल्शियम फ्रेगनेंस भी अपने किसी परिचित से मैंने कटिंग ली थी मांग करके, और मैंने वाटर प्रोपोगेशन और सॉयल प्रोपोगेशन दोनों से ट्राई किया था। सॉयल प्रोपोगेशन वाली ब्रांच ये है और ये वाटर प्रोपोगेशन वाली ब्रांच है। वाटर प्रोपोगेशन वाली ये वाली ब्रांच है,
आप देख सकते हैं सॉयल वाली छोटी है और वाटर वाली काफ़ी बड़ी है और काफ़ी हेल्दी भी है। और इसमें ये देख सकते हैं आप बहुत सारे पत्ते भी निकल रहे हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी एक ब्रांच ये जड़ से निकल के आ रही है और यहाँ पर भी इसकी कई सारी ब्रांचेज निकल के आ रही है। तो ये बहुत घना होने वाला है, ये इसकी ब्रांच आप देख सकते हैं यहाँ से निकल के आ रही है, ये देखिए यहाँ से निकल के आ रही है। तो ये बहुत जल्दी है बहुत घना होने वाला है। एक्चुअली वाटर प्रोपोगेशन में इसमें बहुत जल्दी रूटिंग आ गई थी और रूटिंग आने के बाद मैंने इसे सॉयल में ट्रांसफ़र किया, तो सॉयल में ट्रांसफ़र करते ही रूट्स जो ऑलरेडी ग्रो हो गई थी वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगी और प्लांट जल्दी से ग्रो करने लगा। लेकिन सॉयल में जो मैंने प्लांट डायरेक्ट डिप किया था उसमें रूट सिस्टम बहुत धीरे धीरे डेवलप हुआ और इसी वजह से ये छोटा ही रह गया है और इसकी ग्रोथ अब जाके थोड़ा सा खुली है, अदरवाइज वाटर प्रोपोगेशन वाला बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके बाद ये मेरा एक दूध का मग टूट गया था, दूध पीने का मग, तो इसमें मैंने मेरे बम्बू प्लांट, मेरे पास लकी बम्बू रखा हुआ है तो उसका उसकी एक ब्रांच सूखने लगी थी नीचे से, तो मैंने उसको टाइम से हटा करके उसके ऊपर जो ये ब्रांच बनी हुई थी इसको हटा करके इसमें लगा दिया था। और आप देख सकते हैं इसमें पहले दो ही लीव थी, अभी चार लीव हैं और इसमें नई ग्रोथ भी साफ दिख रही है, तो ये चल गया है इसमें। तो लकी बम्बू को मैं सॉयल में भी अब एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ और आई होप कि ये अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद ये एक नींबू का प्लांट, 5 जून को हर कोई विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है और उस दिन मार्केट से और नर्सरी से प्लांट खरीद के और कहीं पे भी रोप देते हैं और उसके बाद उसे पानी देना भूल जाते हैं और प्लांट मर जाता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक ये सीड से तैयार किया हुआ प्लांट है इसको मैं डेवलप कर रही हूँ, तो जब भी एप्रोप्रिएट वेदर होगा तब मैं इसे किसी लावारिस जगह पे, यानी या तो कोई सरकारी ज़मीन होगी या कोई ऐसी ज़मीन होगी जिसका कोई दावेदार ना हो, उस ज़मीन पे जाके लगा दूँगी और इसकी केयरिंग करूँगी ताकि ये भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्ष बन सके। ये नींबू या संतरे में से कुछ है, तो क्योंकि नींबू और संतरे के बीज एक ही जगह डाल दिए थे तो दोनों में से कोई एक प्लांट ये है, आई होप ये नींबू हो तो ये अगली पीढ़ी के लिए काम आएगा। और ये मैक्सिकन पिटूनिया का एक ये प्लांट मैंने दही के डिब्बे में तैयार किया है और ये देख सकते हैं आप कितना घना और कितना हेल्दी है, तो एक ये भी है। इचीवेरिया का एक और प्लांट ये है मेरे पास और इसका जो तना है उसमें इनॉर्मस ग्रोथ हुई है और वो अजीब टाइप का चौड़ा टाइप का हुआ है, तो इचीवेरिया का एक ये भी प्लांट मेरे पास है। अभी गर्मी की वजह से मैं इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ लेकिन बरसात में कुछ दिन बाद इसको बाहर निकाल के इसको प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल की जाएगी, ताकि क्योंकि ये कुछ अलग टाइप से ग्रो हो रहा है तो इसको भी मैं अपने गार्डन में निश्चित तौर पर रखना चाहूँगी। उसके बाद गुलदाउदी के ये मेन प्लांट, इन्हीं से मैं